क्या हुआ, उनकी कत्ल हुई, कन्वर्ट हुए, उनका कौन सा गुना था कि उनकी कत्ल हुई, कन्वर्ट हुए, तो उनका एक ही गुना था कि वह मानवता का कल्याण, संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली महान सनातन वैदिक हिंदू परंपरा को मानते थे। दुनिया में ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने कहा कि उनका भगवान ही हिंदू संपर्क के दौरान पूरनपुर में हिंदू साथियों से मिलना हुआ। हमारा संकल्प है अब तो हिंदू ही आगे, समृद्ध हिंदू, सुरक्षित हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू। समृद्ध हिंदू अर्थात गरीबी मुक्त भारत, रोजगार युक्त युवा, कर्ज मुक्त किसान, महंगाई मुक्त गृहिणी, यह हिंदू ही आगे को संकल्प लेकर अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल काम कर रहा है। आनंद की बात है, ये पूरनपुर नगर के 16 वार्डों में हमारे कार्यकर्ताओं ने कमेटी बनाई है और तेजी से पीलीभीत नगर के गांवों तक काम बढ़ रहा है। बस आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। सर ये बताइए, जो अभी आपके द्वारा मंच पे जो है जनसंख्या नीति के बारे में कहा गया है, और जबकि जो इस समय प्रेजेंट टाइम में सरकार है उसके द्वारा 3 तलाक का जो है बनाया गया है, संविधान लागू कर दिया गया है, तो ऐसे में जनसंख्या नीति लागू करने के लिए ये लोग क्यों नहीं? मेरा स्पष्ट मानना है कि यदि देश में जनसंख्या नियंत्रण का कानून नहीं बनाया तो हर नगर में कन्हैया और श्रद्धा होने वाला है। हमारा बेटा कन्हैया न बने, बेटी श्रद्धा न बने, इसलिए केंद्र सरकार जल्द जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाए, यह अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद की मांग है। हम करोड़ों घरों में जाकर हिंदुओं को यह समझा कर हम लोकतांत्रिक दबाव बनाएंगे। मेरा दृढ़ विश्वास है, जैसे धारा 370 केंद्र सरकार ने हटाई, ऐसे जनसंख्या नियंत्रण का कानून भी बनाएंगे। आज आपके द्वारा जो भ्रमण किया जा रहा है इसका क्या उद्देश्य है? हिंदू ही आगे, बस देश में हिंदू को आगे ले जाने के लिए और सुरक्षित रखने के लिए हम भ्रमण करके हिंदुओं को जगा रहे। ये आपका कार्यक्रम कब तक चलता रहेगा? ये 31 जनवरी तक पूरे उत्तर प्रदेश में गोरखपुर तक कार्यक्रम चलने वाला है।